चटाई लेके। तो पता नहीं कोई सेलिब्रिटी आए हैं कि नहीं। काजल जी के चाचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग निकल रहे हैं फाइनली दुर्गा पूजा के लिए ना। कल बहुत स्पेशल डे था, सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो गया इधर, तो अष्टमी बहुत शुभ माना जाता है हमारे लिए। बट उस टाइम पे कल तो एकदम बोरिंग बारिश हो रही थी तो हमारा हुआ नहीं कुछ। जो षष्ठी है वो सप्तमी है। सप्तमी दोनों दिन में आ जा रही है। इधर भी छह में चालू हो रहा है वो, और उधर खत्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तुम 12 बजे कह रही हो ना कि 12 बजे बाद वो लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वैसे क्या होता है हमारे उधर, तो जो बंगाली स्टाइल के जो दुर्गा पूजा होता है ना, तो वहाँ 4 दिन या 5 दिन तक का विसर्जन 5 दिन में होता है। 4 दिन का षष्ठी, अगर षष्ठी से अगर हम गिनेंगे तो 4 दिन आ जाता है, वैसा होता है। तो उसी लिए इस बार मुझे नहीं पता था कि एक साथ हो जाए, बट इस बार मुझे पता नहीं था। तो नहीं तो यार, कल ही मैं निकलती ना घूमने, बट अचानक बारिश इधर। आज घूमने जैसे वेदर था ही नहीं कल वैसे। तो गाइस थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, सप्तमी जो बोला था नहीं, षष्ठी जो है वो सप्तमी है शायद, जो पंचमी है वो षष्ठी है। मैंने शॉर्ट्स पे शेयर किया था, ऐसे भी हो सकता है। बेसिकली तुम एक दिन पीछे चल रही थी। एक दिन पीछे ही चल रही थी मैं। यस, तो आप लोग सारा एक दिन आगे कर लेना। हां, यू आर स्मार्ट एनफ। ये साइज भी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए था पर मिला नहीं उसके पास में। ब्लू कलर का हम ढूंढ के देते हैं। दो आ गई है, एक येलो भी आ गई। मैंने बस कंसीलर लगाया है फेस पे, फाउंडेशन नहीं लगाया है क्योंकि फाउंडेशन मुझे पिंपल्स गिव देते हैं, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। और मैं मेकअप फास्टिंग पर चल रही हूँ, तो मैंने सिवाय लिपस्टिक के कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक लग रही है, आई एम ब्यूटीफुल। ये है जुहू बीच, अगर कभी मौका मिले तो मैं आऊँगी घूमने। मैं तो कई बार गई हूँ। हाँ, मैं बहुत बार गई हूँ, मैं भी बहुत पहले आती थी वहाँ थोड़े दिन पहले। हम इतना धीरे धीरे चल रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, हम पैदल नहीं चल सकते थे इससे ज़्यादा। 1 किलोमीटर बाकी है, 1 किलोमीटर बाकी है। पूरा मैप पूरा रेड दिखा रहा है, पूरा ट्रैफिक 1 किलोमीटर बाकी है बट 11 मिनट दिखा रहा है। फाइनली बहुत मेहनत से, धीमे धीमे गाड़ी से पहुँचे। तो हम लोग पहुँच गए काजोल रानी मुखर्जी के जो पूजा होते हैं उनके, मुखर्जी फैमिली के। तो चलो गाइस अंदर जाते हैं। नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजो में ही आए हैं। और मुंबई के यहाँ के बड़ा दुर्गा पूजा में से ये भी एक है, तो सभी को पता ही होगा क्योंकि वीडियो न्यूज़ में आते हैं। तो ये भी बहुत ही फेमस और स्पेशल है। लाइन पे भी खड़े रहना है, कुछ टाइम लगेगा, ये भोग खा के जाएंगे, प्रसाद पाएंगे, देन जाएंगे। पता नहीं कोई सेलिब्रिटी आए हैं कि नहीं, दिख ही नहीं, भीड़ है। चलो पहली जो बैंक है, मुझे लगता है बहुत सारे काजोल रानी मुखर्जी मैंने सुना है कल आए थे, पता नहीं आज आएंगे। थोड़ा लाइन पे खड़े रहना पड़ेगा भोग के लिए। से 2 घंटे तक लाइन पे खड़े रहने के बाद भी और भी टाइम लगेगा, तो मैं आ गई। प्रेमिका पहले से ही चली गई, तबीयत ख़राब लग रहा है, वो
खाई नहीं थी कुछ भी सुबह से, और मैं तो दूध भी पिया था वैसे, इसीलिए तो अभी मैं निकल चुकी हूँ। तो यहाँ काजल जी के चाचा हैं, भी सेलिब्रिटी आए हैं शायद, हम लोग लाइन पे थे तभी आलिया भट्ट आई थी। तो चलो मुंबई के दुर्गा पूजा का थोड़ा सा झलक आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो फूड स्टॉल इधर बहुत सारे कोलकाता से आए हैं और यहाँ के भी हैं, तो मैं यहाँ खा लेती हूँ। प्रेमिका बाहर चली गई, उधर शायद वो लंच कर रही है, और इधर मुझे वेज लिया है तो यहाँ से मैंने मोमो लिया। और यहाँ मुंबई में जैसे कि मेरे बारे में बोल रही हूँ, अभी मैं एक पंडाल में देख रही हूँ, तो दूसरा पंडाल जाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, तो बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो एक ही जगह खा पी के हम लोग घर लौट सकते हैं, एक ही जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिष्टी दोई लिया, पर मिष्टी दोई लेने के बाद मैं अफसोस कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत गर्म था। तो मैं यहाँ भोग तो नहीं खा पाई, तो मैं मोमो खा के मैं निकल गई। अभी फिर से आई हूँ मंडप के तरफ, यहाँ मुझे सेलिब्रिटी दिखी, भाग्यश्री और अनुराग बासु सभी आए हुए थे। मुझे लगता है शाम को और भी आएंगे। तो यहाँ बड़े बड़े पंडाल पे ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं दर्शन करने। तो गाइस हम फिर से फूड स्टॉल पे आ गए प्रेमिका के साथ, वो भी आ गई मंडप तक। सो हम लोग कलकत्ता की चाय पीने वाले हैं, बट उतना अच्छा नहीं लगा चाय यार, जैसा होता था वैसा नहीं है। वैसे तो कोलकाता की चाय बहुत मस्त होते हैं। चाय 100 रुपए पानी जैसी थी, हाँ 50 रुपए का एक था और पानी जैसा था, और नहीं तो कोई मसाला था उसमें की टेस्ट। वही बस उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टॉल, मुझे तो बिना मसाले का पसंद भी नहीं, 3 लाख में लिया है, 2 लाख बता रही थी, 2 लाख में लिया है, इसीलिए हमसे ऐसे लूट रहे थे। सही है बट टेस्टी नहीं था ना। जूस छोटा ग्लास 100 का। तुमको झुमका देखते ही तुम पागल हो जाती हो, बोलो। झुमकी देखते ही पागल हो जाती है, झुमकी देखते ही पागल हो जाती है। मैं नहीं, मैं दिखाओ। तो हम लोग यहाँ से वफ़ल्स और पैनकेक ले रहे हैं बाहर आके, क्योंकि हम लोग भटक गए थे रास्ते पे, हम जाने वाले थे जुहू बीच फिर से, बट अभी धूप है, अच्छा हुआ ना, अभी खा लेंगे देन देखते हैं। तो हम वहाँ से सीधा आ गए जुहू बीच। चलो, सोचा था मैं कब आऊँगी जुहू बीच, आप सबको भी शेयर करूँ, बट आज मेहंदी का पास ही है इसलिए हम लोग इधर आए हैं। इसमें भाई कितना क्राउडेड है यार, बहुत क्राउडेड है, फ्राइडे है। फिर ये चटाई भी हम लोग रेंट पे ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। हाँ, जितना देर के लिए चाहिए उतना टाइम। क्या है भैया ये, कितना रहते हो, लेते हो पर पिक्चर? नहीं, ये हमारे यहाँ का नहीं। तो ये खाते हुए वीडियो बनाओ, ऐसे लेके अच्छा है। हम लोग घर की तरफ, क्योंकि बहुत ही चिड़चिड़ी सी लग रही है मुझे, क्योंकि सुबह से एक ही ड्रेस पहन के पसीना वसीना ये सब। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ एंड अभी नहा लिया, फिर रेडी हो गई हूँ। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे शेयर करती हूँ नेक्स्ट क्या करती हूँ। अभी रात के 8:30 बजे है, निकलेंगे फिर से। आज का ब्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी रात को।